उनका सब्जेक्ट भी अच्छा है, ये मुस्लिम जो तलाक तलाक के ऊपर ये फिल्म है, और फिल्म में जो जो दिखाया है वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि रियली ये सब्जेक्ट बहुत संगीत ये है, उसमें कुछ ऐसी पिक्चर बननी चाहिए थी जो कि, हालांकि लेक टनल साहब ने जो उनकी आखिरी पेशकश है बहुत बड़ी अच्छी है, और हमारे जो प्रोड्यूसर है त्रिनेत्र वाजपेयी, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छी फिल्म है, देखने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, जिस तरह का मैसेज दिया है, आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचेगा ये मैसेज? ये जरूर जरूर पहुंचेगा। ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें तो गवर्नमेंट भी अभी कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कानून भी लाया है उन्होंने, और ये पार्लियामेंट भी बहस हो रही है उस पर, और जरूर ये अच्छी फिल्म है, ये देखने के बाद ये लोगों तक पहुँच जाएगी, समाज तक पहुँच जाएगी। स्टारकास्ट में तो कंवलजीत साहब है, नई हीरोइन जो जीविता आष्टा है, उनका काम बहुत अच्छा है। जीविता आष्टा जो लगता नहीं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, और कंवलजीत साहब ने इतने इस उम्र में भी रोमांटिक गाने गाए। इस फिल्म की बात सबसे बड़ी अच्छी बात है इस फिल्म का म्यूज़िक। ये फिल्म में म्यूजिक ऐसा लगता है कि 60 और 70 के दशक का म्यूजिक है, शंकर जयकिशन के ज़माने के इसमें म्यूजिक है, और गाने 7-8 गाने बहुत अच्छे गाने हैं। एक गाना अच्छा है जो खुद जो दिग्दर्शक लेक टंडन जी के गाने के ऊपर है, जो क्वालिटी सहमी सहमी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा गाना है। थैंक यू सर।